हेलो स्टूडेंट्स नेशनल साइंस डे क्विज प्रोग्राम पे मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करने वाली हूँ जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो पहला क्वेश्चन है द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू वॉट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्पर्सन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द पेंसिल पेंसिल में इन सब से कौन सा चीज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चारकोल को भी समझ जाते हैं कि पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन चार ऑप्शन है यहाँ पे चारकोल सिलिकॉन फास्फोरस या ग्रेफाइट तो ऑप्शन नंबर फोर हम लोग का करेक्ट होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सन इज ईजिलीली विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के समय इन सब सम में से कौन सा सन का वो पार्ट है जो इजिली विजिबल होता है यानि कि दिखता है तो कोर सनस्पॉट फोटोस्पेयर या कोरोना द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर यानि कि कोरोना हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इंफ्रा रेड रेस अल्ट्रा रेडिएशन, रेडिएशन वेव्स या एक्स रेज एंड गामा रेज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू यानी कि ओजोन लेयर किसके द्वारा रेसिस्टेड होता है अल्ट्रा रेडिएशन के द्वारा क्वेश्चन नंबर फाइव फॉर व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव द नोबल प्राइज अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस चीज के लिए नोबल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी ब्लैक बॉडी रेडिएशन या नन ऑफ द एबव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर वन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबल प्राइज़ मिला था क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ द फॉलोइंग विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड्स इन सब में से कौन सा है जो एसिड से एसिड के मतलब क्षेत्र में कॉमन है तो ऑप्शन uh, है ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन या सल्फर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू यानी कि हाइड्रोजन एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑप्टेंड फ्रॉम फंजी वायरसेस बैक्टीरिया या एंजियोस्पर्म्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे मैंने सिक्स के बाद नाइन बता दिया क्योंकि सेवन जो यहाँ पे है तो सेवन भी बता ही रहे हैं द गैस प्रीडोमिनेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजाइड नाइट्रोजन पैरोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन क्या पूछ रहा पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्टली मैंने सबसे इंपॉर्टेंटली कौन सा गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन नंबर एट आ गया हम लोग का वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डन वाया वायरलेस ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रा वेव्स या फिर ऑल ऑफ द एवोव तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एवोव यानी कि चारों के कारण जो है रेडियो वेव माइक्रोवेव एंड इन्फ्रा के कारण सॉरी तीनों के कारण जो है हम लोग का वायरलेस ट्रांसमिशन होता है ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन की ओर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एज सेल्यूलोज सुक्रोज ग्लाइक्रोजेन या नन ऑफ द एबोव मीनिंग ये हो रहा है कि हम लोग का बॉडी में जो है ग्लूकोज स्टोर होता है एज सेल के रूप में सुक्रोज के रूप में या ग्लाइकोजेन के रूप में या नन ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोजेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की ओर द लेंस यूज इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है कनकेव सिलेंड्रिकल कन्वेक्स या नन तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थ्री कन्वेक्स लेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द लिक्विड मेटल इज बिस्मत मरकरी मैग्नीशियम या सोडियम मतलब कि लिक्विड मेट, मेटल इन सब में से कौन सा है तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी मरकरी क्वेश्चन नंबर थर्टीन द फंडामेंटल आर्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर एटम के न्यूक्लियस यानी कि सेंटर न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर वाला पार्ट होता है उसमें कौन कौन से फंडामेंटल आर्टिकल जो है प्रेजेंट रहते हैं तो ऑप्शन में है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड पोजिस्ट्रॉन्स तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज मतलब कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन इन सब में से कौन सा होता है मेमोरी कंट्रोल यूनिट सीपीयू या नन ऑफ द एव तो करेक्ट आंसर होगा सीपीयू ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाट इज अ यूआरएल यूआरएल होता क्या है अ टाइप ऑफ यूएफओ द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड एक्रोम फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लर्निंग तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हैड वर्कड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हाँ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जो है वो हम लोग के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया का तो इन सब में से किस ऑर्गेनाइजेशन से वो रिलेटेड हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो या फिर ए एंड बी बोथ या फिर नाइदर ए नॉर बी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री यानी कि ये जो है अब जो ए पी अब जे अब्दुल अब कलाम ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन व्हाट डिड सीवी रमन डिस्कवरी डील विथ सीवी रमन कि इन सब में से किस क्षेत्र से डील करते हैं ठीक है किस चीज़ का डिस्कवरी के लिए वो जाने जाते हैं ना तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेडियो वेव्स, स्पेस ट्रेवल या हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया क्वेश्चन नंबर एटीन व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव डिड सीवी रमन नोटिस चेंज ड्यूरिंग स्कैटरिंग सी रमन ने स्केटरिंग के समय इन सब में से कौन सा क्वालिटी है जो वेव के अंदर चेंज हुआ था वो उन्होंने नोटिस किया था है ना ये क्वेश्चन तो, है तो ऑप्शन क्या है एम्पलीट्यूड वेव लेंथ क्रेस्ट या ट्रॉट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यानी कि वेव लेंथ में वेव लेंथ में कुछ चेंज हुआ था जो कि सी रमन ने स्केटरिंग के समय में नोटिस किए थे क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन पी वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पी वैल्यू क्या होता है थ्री फाइव सेवन या नाइन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री सेवन द लास्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स डार्विन द फेमस इवोल्यूशनिस्ट प्रोपोज हिज थ्यूरी इन विच वन ऑफ द वन ऑफ हिज बुक्स ठीक है इन सब में से कौन से बुक में उन्होंने डार्विन ने जो है इवोल्यूशनिस्ट का थ्योरी को ऑर्गेनाइज किया है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड द लाइफ ऑन अर्थ द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस तो करेक्ट आंसर होगा द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस इसी टाइप के बहुत सारे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेलाइकन प्रेस कर देना